एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। '71 में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 2 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इस सम्मेलन की खास बात क्या थी, 2 फरवरी 1971 में जिस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था ईरान के रामसर सम्मेलन में, कि विश्व के जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जैसे दलदली क्षेत्र हो गया, पंख भूमि हो गया, पीठ भूमि हो गया, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक जल के अस्थायी स्रोत हों या फिर अस्थायी स्रोत हों, जल के स्थिर स्रोत हों या फिर गतिमान स्रोत हों, खारा या ताजा या लवणी किसी प्रकार के जल वाली आर्द्र भूमि क्षेत्र, इन सभी के संरक्षण को लेकर के यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। 1975 में यह संधि लागू हुई थी। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था ईरान के रामसर शहर में, तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसको भी आप जानते रहिए। इसके बाद अगर बात करें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो 1997 से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, प्रथम सम्मेलन हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए और 21 दिसंबर 1975 से यह संधि लागू हुई। लेकिन 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 1997 से मनाना शुरू हुआ। अब अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस रामसर सूची में विश्व की कुल लगभग कितने स्थल शामिल हैं, तो लगभग 2354 के आसपास, ठीक है, लगभग इतने स्थल शामिल किए जा चुके हैं अभी तक। और अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आर्द्र भूमि किस देश में है, तो बोलिविया एक देश है। बोलिविया देश के अंतर्गत आर्द्र भूमि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये सभी फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाएंगे भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्रफल पे, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। एक बार थोड़ा सा ये सभी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप जानते रहिए। इसके बाद इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में सर्वाधिक 170 स्थल यानी 170 आर्द्र भूमि स्थल, या फिर कह सकते हैं कि रामसर स्थल, यानी रामसर संधि के तहत सूचीबद्ध किए गए आर्द्र स्थलों को हम रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। तो इंग्लैंड देश में सर्वाधिक 170 स्थल आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किए गए हैं या फिर रामसर स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। अगर वहीं हम भारत की बात करें तो भारत के कुल 27 स्थलों को रामसर स्थल के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सभी जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए, ये सभी फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ बातें और कर ली जाए इसी में आर्द्र भूमि के संबंध में, जैसे आर्द्र भूमि का क्षेत्र समुद्र तटीय भी हो सकता है या फिर अंतः स्थलीय भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, इस चीज़ को भी आप जानते रहेंगे। मानव निर्मित में जैसे तालाब हो गए, नहर हो गया, ये सभी क्षेत्र हो गए, और प्राकृतिक क्षेत्र में की अगर बात करें तो लैगून झीलें हो गई, जैसे आपका चिल्का झील है, पुलिकट झील हो गया, एस्चुरी हो गई, एस्चुरी मतलब जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं और नदी और समुद्र का जल मिल जाता है एक में, तो पता नहीं चलता कि वहाँ पे नदी का जल है या फिर समुद्र का जल है, मिक्स हो जाते हैं। और एस्चुरी के बारे में एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, एस्चुरी में यहाँ पे वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए उत्पादन के लिए संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर
समुद्र और नदी दोनों के ही खनिज लवण घुले रहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई एस्चुरी के बारे में। मैंने बताया आपको कि भारत के कुल 27 स्थल रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर के कुल 4 स्थलों को शामिल किया गया है, पंजाब के 3, हिमाचल प्रदेश के 3, राजस्थान के 2 स्थलों को, उड़ीसा के 2, असम का 1, त्रिपुरा का 1, मणिपुर का 1, उत्तर प्रदेश के भी 1 स्थल को शामिल किया गया है, साथ ही पश्चिम बंगाल के 2, गुजरात के 1, मध्य प्रदेश के 1, तमिलनाडु का 1, आंध्र प्रदेश का 1 और केरल के कुल 3 स्थलों को शामिल किया गया है। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी स्थल को रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल करना है या फिर उनको शामिल नहीं करना है, या फिर जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो इसके लिए सदस्य देशों का एक कॉन्फ्रेंस और पार्टीज आयोजित किया जाता है, COP, और यह COP प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, इसको भी आप जानते रहेंगे। तो अभी 2018 में आयोजित जो COP था वो 13वां था, ये 2018 में था। इसका मतलब हो गया, अब जो अगला COP होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा रामसर संधि के तहत, वो होगा आपका 14वां और 2021 में आयोजित किया जाएगा, 2021 में 14वां होगा COP, इसको भी आप जानते रहिए। आइए बात करते हैं भारत के उन 27 आर्द्र स्थलों को जिन्हें रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। तो जम्मू कश्मीर राज्य में सोमोरेरी झील, उलर झील, होकेरा झील और सुरेंसर मानेसर झील, इन 4 झीलों को जम्मू कश्मीर राज्य के रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं पंजाब राज्य की बात की जाए अगर, तो कांजली झील, रोपड़ झील और हरिके झील। ठीक है, हरके झील आपका जो है सतलज नदी पे जो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है उसके वजह से यह कृत्रिम जल भराव है, यानी कृत्रिम आर्द्र भूमि है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो पोग डैम झील हो गया, चंद्रताल झील और रेणुका झील। राजस्थान राज्य की बात करें तो सांभर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 आर्द्र स्थल राजस्थान के हो गए। सांभर झील के बारे में आप एक बात और जानते रहिए, सांभर झील से भारत का सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक बात आप जानते रहिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक रामसर संधि के अंतर्गत माउंटरेक्स रिकॉर्ड भी जारी किया जाता है। माउंटरेक्स रिकॉर्ड उन रामसर स्थलों को के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है जो स्थल पारिस्थितिकी रूप से खतरा उत्पन्न हो रहा होता है। साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप एक चीज़ और भी जानते रहिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस ऋतु प्रवास करते हैं प्रजनन के लिए। अगला देखिए उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र और चिल्का झील का क्षेत्र, ये 2 आर्द्र स्थल शामिल है। असम का दीपोर बिल, त्रिपुरा का रुद्र सागर झील, मणिपुर का लोकटक झील। लोकटक झील में ही आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। उत्तर प्रदेश का अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से लेकर के नरोरा तक का जो क्षेत्र है ये रामसर स्थल के अंतर्गत शामिल है। पश्चिमी बंगाल के 2 स्थल हैं, पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, सुंदरवन आर्द्र भूमि जनवरी 2019 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, यानी भारत का 23वां स्थल ये है। ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे, याद कर लेंगे इसको कि सुंदरवन आर्द्र भूमि भारत के 27वें आर्द्र भूमि स्थल के रूप में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है सबसे लास्ट में। गुजरात राज्य का 1 है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद जोड़ा गया था नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात के, सबसे बाद में जोड़ा गया आर्द्र भूमि आपका हो गया नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, सुंदरवन आर्द्र भूमि आपका जनवरी 2019 में, लेकिन अगर करण के हिसाब से पूछा जाए तो आपका सबसे बाद में जोड़ा गया आर्द्र भूमि स्थल आपका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। अगला देखिए मध्य प्रदेश राज्य का भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र, तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के 1 स्थल है कोलेरू झील, वहीं केरल के 3 स्थलों अष्टमुडी, कस्टम कोटा और वेम्बनाड, ये 3 झील या 3 आर्द्र स्थल केरल के रामसर स्थल के तहत शामिल किए गए हैं। वेम्बनाड के बारे में एक बात आप जानते रहिए, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है इसको।
ये हो गया आपके कुल भारत के 27 आर्द्र भूमि स्थल। तो आज की वीडियो में फिलहाल रामसर संधि के बारे में संक्षेप में और साथ ही भारत के आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई थी। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जितने भी नए व्यूवर्स हैं आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल जाए तुरंत सबसे पहले। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे।